नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। पवई थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गांव में गुरुवार की देर रात नाली और रास्ते के विवाद को लेकर गांव के कुछ लोगों ने युवक को पोखरे से धक्का दे दिया, जिससे पोखरी में डूबकर युवक की मौत हो गई। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस चार लोग के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। पवई थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गांव निवासी विजय यादव पुत्र राम मिलन यादव ऑटो चालक का काम करता था। उसके घर के सामने नाली व रास्ते के निर्माण को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ था। गुरुवार की शाम करीब 7 बजे रामपुर बाजार में विजय के भाई राजकुमार ने उसे सब्जी खरीद कर घर ले जाने के लिए दिया। विजय वो घर पैदल जा रहा था कि घर से 500 मीटर पहले पोखरे के पर गांव के कुछ लोग विजय को मिले और पुनः विजय उन लोगों के साथ रामपुर बाजार वापस गया। बाजार के साथ बैठकर शराब पीने के बाद वे सभी लोग एक साथ घर के लिए निकले ही थे कि गांव के पोखरे के पास पहुंचकर उसने उसके साथ के लोगों के बीच कुछ कहा सुनी हो गई। इसी दौरान विजय को पोखरे में धकेल दिया, जिसे पोखरे में डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक के पास एक पुत्र और एक पुत्री है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर SP ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित का कहना है कि आज सुबह 4:30 बजे विनय कुमार यादव ने सूचना दिया कि उनके भाई विजय यादव को शराब पिलाकर तालाब में डुबोकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में जगदम्बा, सूरज, जयहिंद व शशिकांत के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई है। इस संबंध में विनय कुमार यादव पुत्र राम मिलन यादव निवासी फतनपुर थाना पवई, इन्होंने सवेरे 4:30 बजे थाने पर सूचना दी कि इनके भाई विजय यादव को इनके गांव के ही जगदम्बा, सूरज और जयहिंद तथा मोहम्मदपुर गांव के शशिकांत, इन लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत शराब पिलाकर नशे में तालाब में डुबोकर इनकी हत्या कर दी गई। इसके आधार पर, इनकी सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो भी सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। घटना गांव में ही हुई थी? घटना गांव के पास एक पोखरी में हुई। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।